Hello. गुड इवनिंग। सो आज आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ टू डिजाइन अ टेम्पलेट्स, और आप कह सकते हैं उसको कि हाउ टू डिजाइन एनी कवर डिजाइन। और जैसे कि अगर कोई भी कवर है उसको कॉपी करना चाहते हैं या फिर कुछ मॉडिफिकेशन अपना खुद का करना चाहते हैं, तो उसमें आप करके मॉडिफाई करके अपना खुद का वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस डिज़ाइन को आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको कैसे एग्जैक्टली कॉपी करना है, या फिर आपको आप अगर बिगिनर लेवल पे काम कर रहे हैं, बिगिनिंग बिगिनर्स हैं, आप पावर पॉइंट सीख रहे हैं, उस टाइम भी आप एक बेसिक डिज़ाइन को भी डिज़ाइन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना कि आपको मैं इसको थोड़ा सा डबल क्लिक कीजिएगा तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना आपको कि होम टाइम में जा करके न्यू स्लाइड्स में एक आपको ब्लैंक स्लाइड लेना है। तो ये सब जो स्लाइड आप देख रहे हैं डिज़ाइन वाला, ये आपको नहीं मिलेगा वो, क्योंकि वो डिज़ाइन किया गया है। तो आप ब्लैंक स्लाइड लेंगे, आपको ब्लैंक स्लाइड मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि जो आप पिक्चर डिज़ाइन करना चाहते हैं, या फिर आप गूगल से ले लें, या फिर जहाँ से भी आपको डिज़ाइन करना है जो पिक्चर को, उसको इंसर्ट कर लें। तो मैंने इंसर्ट कर रखा है, तो मैं इसको कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ और इस स्लाइड से लाग देता हूँ। तो देखिए एग्जैक्टली डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको जो आपका ये देखिए A4 साइज में है, तो मैं क्या करता हूँ कि इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे बनाऊँ, क्योंकि आप यहाँ भी डिज़ाइन कर सकते हैं इन दोनों पेजेस को। तो सबसे अच्छा बात यह रहेगा कि हम लोग एक अलग फाइल बना लेते हैं और उसमें पेज का जो साइज है A4 ले लेंगे। तो चलिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करना है Ctrl+N, ठीक है। तो आपके पास एक नया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो आपको इसको करना होगा क्लोज, और उसके बाद फाइल पे जाना है, यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, या फिर न्यू पे क्लिक करके नया प्रेजेंटेशन और ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन मैंने ले लिया और उसके बाद इसको मैंने करूंगा डिलीट, यहाँ से जाऊंगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन लूंगा और यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। और इसको आपको अब पेस्ट कर दें, उसके बाद क्या करें आप कि आप जाएं अपने डिजाइन टैब में। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट बैकग्राउंड और साइज स्लाइड साइज है, स्लाइड साइज पे क्लिक करें, कस्टमाइज साइज, और यहाँ से वाइड स्क्रीन है इस पे ड्रॉप डाउन कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे A4 पेपर, ठीक है। A4 पेपर पे क्लिक करके ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद देखिए मैक्सिमाइज और इंश्योर फिट आता है। तो मैक्सिमाइज में क्या होता है कि आपके अगर कोई जो फोटो का रेशियो है वो अगर फिट नहीं आ रहा है आपके पेज में, तो वो मैक्सिमाइज करके पूरा पेज को वो फिल कर देता है, तो वो होता है मैक्सिमाइज। और इंश्योर फिट कि आपको वो आपका वो रेशियो चेंज, रेशियो करने का मतलब कि आपका जो फोटो है उसका जो अगर विड्थ है उसको वो फिट कर देता है, वो इंश्योर फिट होता है। तो मैं इसको रखूंगा मैक्सिमाइज, और उसके बाद हम लोग इसको अब देखिए आप इसको मैं इसको छोटा करके दिखाऊँ आपका पेज, अभी देखिए नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे डिजाइन में स्लाइड कस्टम साइज, और ये देखिए लैंडस्केप है तो मेरे को लैंडस्केप में नहीं रोटेट में रखना होगा। अब करेंगे ओके मैक्सिमाइज, देखिए तो अब रोटेट में हो गया। इस तरीके से हमको A4 साइज पेज चाहिए मेरा। तो अब देखिए यहाँ पे अब मैं इसको जाऊँगा, और आप क्या करेंगे जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप पहले फाइल्स को सेव कर लें, ताकि अगर आप आपकी लाइट चली जाए या फिर आप काम कर रहे हैं किसी वजह से अगर आपका वो ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपका फाइल जो है सेफली सेव रहे, ठीक है। तो फाइल पे जाएं, सेव एज, जिस जहाँ भी आप रखना चाहते हैं वो लोकेशन पे ब्राउज करके भी रख सकते हैं, और अगर आप न्यू वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो करंट फोल्डर का यूज किया होंगे वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने ही जो है यहाँ पे इसमें रख लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ डिजाइन वन करके मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पे कर लेंगे सेव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजाइन वन नाम करके सेव आ गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे न्यू जाता हूँ, यहाँ ब्लैंक कंट्रोल सेट कर लीजिए और स्क्रॉल करके नीचे आएगा तो ब्लैंक साइड आपको मिल जाएगा, ब्लैंक साइड कर लेते हैं। अब आपको जिस डिजाइन को देखना है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन कर लिया, सॉरी, ठीक है। जूम इन करने के बाद पहले क्या है आपको देखना होगा कि इसमें
कितने स्क्वायर बॉक्सेस है, तो 1 2 3, मैं इसको थोड़ा और जूम कर लूँ, आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको एक पैटर्न देखना है कि कैसे पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे एक बॉक्स बना करके, यहाँ पे इस बॉक्स का मैं कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा रेड, और शेप आउटलाइन यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ, सॉरी इसको यहाँ पर रखूँ, कहाँ रखूँ, कहीं पर लेते हैं, फिल में जाइए, और फिल में जाने के बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिखेगा आपको, इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लो कर लीजिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी आपको रखना है इसका 50% समथिंग, ऐसे बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, तो मैं इसका 50% रख लिया ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद आउटलाइन नो आउटलाइन कर दीजिए, और इसको राइट क्लिक करके सेट एज डिफॉल्ट कर दीजिए, यहाँ पर जाइएगा सेट एज डिफॉल्ट से। अब इसका सेट एज डिफॉल्ट का फंक्शन में क्या क्या यूजेस हैं इसका मैं बता दूं कि आप जैसे, अब देखिए तो ये मैंने कर लिया, अब मैं दूसरा शेप यहाँ से इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ, सपोज दैट, तो आप देखेंगे कि मेरे को अब ब्लू नहीं डायरेक्ट रेड मिल रहा है ऐसे, तो इसका सेट एज डिफॉल्ट का ये मतलब होता है, ठीक है। चलिए तो मेरे को मान लीजिए सपोज डेट मैं देख रहा हूँ कि ये जो है ये पूरा फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँगा। अब आप देखिए थोड़ा सा ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है थोड़ा सा, चलिए सही है। तो अब क्या कीजिए आप कि एक पैटर्न बनाइए कि इसमें अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4, यानी कि मैक्सिमम कितना है आपका स्क्वायर बॉक्सेस 4 है, तो आप यहाँ पे रख लें इसको, इसका कंट्रोल डी से कॉपी कर लें, या फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ भी इसको पकड़ के आप ड्रैग करेंगे तो उसका कॉपी हो जाएगा। तो आप एक लेंथ पे रख लें, उसके बाद फिर कंट्रोल शिफ्ट प्रेस क्लियर कीबोर्ड से करने के बाद आप क्या करें कि इसको आप देखेंगे कि माउस का जो कर्सर है वो चेंज हो चुका है प्लस सिंबल में, इसको लेफ्ट क्लिक में क्लिक करके ड्रैग करें, यानी खींची इस तरफ से, तो ये हो जाएगा। और मैं जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो आप देखिएगा जो आपका स्मार्ट गाइड होगा, उसको स्मार्ट गाइड बोलेंगे, तो वो डिस्टेंस आपका वो दिखा देगा। तो मैं जैसे ही इसको यहाँ पे करूँगा तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये एग्जैक्टली डिस्टेंस मिलेगा तो आपको नीचे एरो देख सकते हैं, वो आपको एग्जैक्टली दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप 4 यहाँ पे बॉक्सेस बना लें। बॉक्सेस बनाने के बाद इस बॉक्स, इस बॉक्स और इस बॉक्स को कॉपी करें और डायरेक्टली नीचे खींच लें, और ऐसा देखिए कि वो इस बॉक्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली थोड़ा सा मैच करके आप वो कर सकते हैं। उसके बाद अप साइड में 2 है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको हो गया इस तरीके से। अब क्या कीजिए इसको कि आप इसको सिलेक्ट ऑल कर लें इस तरह से ड्रैग कर खींच करके, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या कर लेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर दें। ग्रुप करने के बाद क्या करें इसको कि इस एंगल पे कंट्रोल जेड कर लें। आपको क्या करना होगा कि जैसे अगर आप चाहते हैं किसी एंगल पे इसको रोटेट करने के लिए, तो आप सेव फॉर्मेट में जाएं, यहाँ पे आपको रोटेट ऑप्शन मिलेगा, अगर राइट क्लिक करें और उसके बाद मोर रोटेट ऑप्शन में चले जाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटेशन कितना 45 डिग्री के कर लें, तो ये 45 डिग्री इस साइड हो रहा है, तो आप केवल इसके फर्स्ट में माइनस लगा देंगे तो आपको वो -45 डिग्री रोटेट कर देगा। तो पहले तो आप इसको कंट्रोल जेड कर लें, सॉरी पहले इसको 0 कर लें, इस तरीके से था। अब मैं यहाँ पे करता हूँ -45, तो 1 मिनट, ये हो गया है -45, तो आप देख सकते हैं इस एंगल 45 डिग्री पे वो हो गया है मूव। तो इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि लगे कि नहीं ये यहाँ पे है, तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सेफ इसका बड़ा हो गया, तो आपको कंट्रोल के साथ इसको थोड़ा सा वो डाउन कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप अब देख सकते हैं जो सेप है वो थोड़ा सा एग्जैक्टली मैच कर रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, चलिए इतना परफेक्ट है। तो इस तरह से अलाइन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसको क्या करना होगा आपको, कंट्रोल एक्स कर लें और इस पेज पे आकर के कंट्रोल वी पेस्ट कर दें, ठीक है। अब इसको इस तरह से एडजस्ट करें जैसे उस पेज में था वो,
उस पेज में करने के लिए आप क्या कर दीजिए कि करने का एक आसान तरीका बता देते हैं कि यहाँ पर भी कंट्रोल भी कर लीजिए, और सबसे है कि आप इस पेज को यहाँ से आप क्या कीजिए कि मैं अब ये एक और काम बता दूँ, क्रॉप कर लीजिए पर इस पिक्चर को, तो क्रॉप में जाइए, क्रॉप करने के बाद यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसको एग्जैक्टली जो जहाँ से इसका डिज़ाइन स्टार्ट है वहाँ से कट कर लीजिए और इस साइड से भी कट कर लीजिए, ठीक है, और बार क्लिक कर दीजिए तो वो, या फिर इस क्रॉप पर भी क्लिक कीजिए क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए कि इस जो आपका वो इमेज है इसको आप एग्जैक्टली अलाइन कराइए जो पेज का आपका है, देखिए पेज का अलाइनमेंट से और इसके अलाइनमेंट को मैच करा दीजिए। मैच कराने के बाद यहाँ आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ पे रखिए, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ, इसको क्लोज करता हूँ मैं, इसको यहाँ रखता हूँ। चलिए हो गया, थोड़ा सा इसका साइज एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसको रखना है और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। चलिए अब सही हो गया एग्जैक्टली, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने एडजस्ट कर लिया और इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और नेक्स्ट पेज पे आकर के इसको मैं हटा देता हूँ और कंट्रोल भी कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारा स्पेस पे फुली एडजस्ट हो चुका है। अब आपको ये इस ट्रायंगल को डिजाइन करना है, तो आप ट्रायंगल को डिजाइन करने के लिए रेक्टेंगल लें और आप इसको यहाँ पे आप देख कर बताते हैं, आपको आप एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना लें, आपको वो बैकग्राउंड में दिख रहा है तो आप इसको क्या करें कि यहाँ तक ले जाएं, सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको शेप दे दें और इसको एक एंगल पे रोटेट कर लें, ठीक है, इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे जूम कर लीजिए थोड़ा सा, आप देख सकते हैं जूम करने के बाद कितना वो अच्छा हो गया, और उसके बाद इस पोर्शन को आप एग्जैक्टली इस तरह से मैच करा लें। मैच कराने के बाद आप इस पोजीशन को यहाँ तक ले जाएं, यहाँ तक रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। यस, उसके बाद है सॉरी, उसके बाद इसको को करना है कंट्रोल एक्स और कंट्रोल बी कर देना है यहाँ पर, ठीक है, आ गया। चलिए अब हम लोगों का काम ये फर्स्ट पेज वाला है, यानी कि इस पेज का जो ये पोर्शन है ये डिजाइन हो चुका है। अब करना है इसको डिजाइन करने के लिए आप क्या कीजिए कि इस पोस्टर को इस साइड अलाइन कर लीजिए, या फिर आपको अगर बता दें कि इसका एक डुप्लीकेट कर लीजिए स्लाइड्स का और इसको इस साइड ही रहने दीजिए, ठीक है, और इसको आइए इस पे आकर के पिक्चर फॉर्मेट क्रॉप कर लीजिए, और यहाँ पे क्रॉप मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से जो इसका डिजाइन है, ठीक है, और क्रॉप कर लिया। अब इसको मैं अलाइन करा देता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं स्पेस पे अलाइन हो गया पूरा सिंपली। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली आपको एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल को जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरीका से बनेगा, और मैं इसको इस तरीका से डिजाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको करना है इसको रोटेट, तो मैं रोटेट के लिए आपको दिखा दूं यहाँ पे रोटेट बाय 90 90, और आपको कर लेना है डायरेक्टली इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब जैसे ही इसको देखिए ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्टली फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे जा करके इसको एडजस्ट कीजिए, ठीक है, इसको सॉरी इसको एडजस्ट करना है थोड़ा सा, यहाँ पे आपको इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है लगे कि हाँ सही है, परफेक्ट। उसके बाद आपको इसका एक कॉपी करना है, ठीक है,
या फिर इसको आप इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे जिस लाइन पे है यहाँ पे, और ये वाला भी पोर्शन आप इसको ले जाएंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये परफेक्टली अलाइन हो गया। उसके बाद इसका कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कीजिए कीबोर्ड से और उसके बाद ड्रैग कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सेव फॉर्मेट में जाने के बाद रोटेट ऑप्शन और फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप वर्टिकल करके यहाँ पे इसको इस नीचे वाले अलाइनमेंट के साथ आप इसको सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद आपको बताते हैं यहाँ पे इसको इस तरीके से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो आपको इस एरो के से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और ऊपर से इसको नीचे लाइए, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से एडजस्ट हो चुका है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको और इसको कंट्रोल एक्स करना है और आ जाना है यहाँ पे, एक नया स्लाइड लेना है, ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक लेने के बाद कंट्रोल वी प्रेस कीजिए और उसके बाद फिर से आ जाइए इस स्लाइड पे। तो अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बचा हुआ है दिस पोर्शन एंड दिस और दे दोनों पोर्शन। तो उसके लिए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल को कंट्रोल या फिर इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ, यहाँ पर ला करके डी पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इस ट्रायंगल ये इस तरह से है और ये इस तरह से। तो आपको क्या करना है, फ्लिप इस तरह से फ्लिप करना है। तो आपको शेप फॉर्मेट में जाना है, शेप और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना है। तो आपको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके इसको एडजस्ट करना है इस तरीके से, ये एग्जैक्टली इस पर मैच करें। ये हो गया, आप थोड़ा सा इसको जूम भी कर सकते हैं। जूम करने के बाद आपको क्या करना है, इससे मैं परेशान कर रहा हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है अच्छे से, ताकि आपको आफ्टर कोई दिक्कत ना हो। एग्जैक्टली अलाइन करा लें इसको, सही है। उसके बाद आपको एक और ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो आप ये ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, इसका नाम है आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप करेंगे तो वो स्क्वायर शेप में ड्रॉ होगा और इसको रोटेट करना है आपको फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप वर्टिकल हो जाएगा। और यहाँ पे जाना है आपको और यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लीजिए और इसको एडजस्टमेंट कीजिए इस तरीके से, ये आपको यहाँ पे अलाइन होता हुआ दिखाई दे। तो आपको अगर नहीं अलाइन हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसको लेकिन भी एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट किया, अब आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा पोर्शन डाउन लग रहा है, तो आप सेव फॉर्मेट में जाएं और उसके बाद एडिट सेव कर लें और इसके बाद इसको पकड़ के शिफ्ट की शाह थोड़ा सा एडजस्ट कर दें ऐसे। अब देख सकते हैं थोड़ा सा एडजस्टली आपको सेफ मिल जाएगा। ओके नाइस, इसको करना है स्लैग स्लैग एंड कंट्रोल एक्स एंड देन सेट पे जाना कंट्रोल वी, उसी पोजिशन में आ गया। देख सकते हैं ये थोड़ा सा बाहर है तो इसको कर लेना होगा आपको अंदर, ठीक है। यस परफेक्ट, इसके उसके बाद यहाँ पे आना है और आपको करना है, अब यहाँ पे आने के बाद हमारा हमारे पास है दिस पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन है। तो एक शेप बनाएंगे रेक्टेंगल और यहाँ से करेंगे ड्रॉ इसके लिए और एक इसको कॉपी करके यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दें एडजस्टमेंट करने के बाद कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप चले आइए एडजस्ट कीजिए, इसको भी एडजस्ट कीजिए, एडजस्ट एंड ऊपर से एडजस्ट कीजिए इसको। उसके बाद इसको यहाँ से एडजस्ट कीजिए, वेट 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 थोड़ा सा रुक जाइए। ओके, सो इसको आपको करना है एडजस्टमेंट थोड़ा सा, तो मैं इस तरह थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ बिटवीन व्हिच। ओके, उसके बाद देखिए आपको इस पोर्शन को यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, इस पोर्शन को जो आपको थोड़ा सा स्लोप है उसको कैसे डिजाइन करना है। तो सिलेक्ट करें सेप को, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे चले जाएंगे सेप फॉर्मेट में, उसके बाद एडिट सेप एडिट पॉइंट्स, और आप इस सेप को जो दिख रहा है आपको ब्लैक वाला, इसको आपको पकड़ना है और शिफ्ट प्रेस करिए रहना है और एग्जैक्टली आपको यहाँ पे आकर के इसमें अलाइनमेंट में कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये
और इसको भी एडजस्ट करना चाहेंगे आप इस तरह से, एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, यस परफेक्टली। उसके बाद आप बार क्लिक कर देना है। उसके बाद चलते हैं, अब थोड़ा सा इसको जूम इन कर ले, जूम आउट कर लेते हैं सॉरी। उसके बाद इस शेप को सिलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा जूम कीजिए और इसको, उसके बाद इसको अलाइनमेंट कीजिए यहाँ पे, और इसको भी अलाइनमेंट कीजिए। उसके बाद आपको, आप इसको एक काम कर सकते हैं कि इसको आप यहाँ या फिर यहाँ तक कर लें परफेक्टली, और इसको यहाँ तक कर लें। इसको मैं बताऊंगा कि क्यों मैं आपसे यहाँ तक करवा रहा हूँ। उसके बाद आपको करना है बस वही, इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल एक्स करना है और स्पेस पे जाना है, कंट्रोल वी पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे आने के बाद इसके हिसाब से आपको एडजस्ट भी करना होगा, ठीक है। तो इस पेज के हिसाब से भी आप एडजस्ट कर लें। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है ना यहाँ पे, इसको भी एडजस्ट तो सेलेक्ट करना है। यहाँ से फॉर्मेट, एडिट सेव, एडिट पॉइंट्स, एंड एडिट पॉइंट्स के बाद आपको करना होगा इस पे अलाइनमेंट। अलाइन हो गया परफेक्टली, और ये थोड़ा सा है तो आप इसको भी अलाइनमेंट में दे दें। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि इसको ऐसा करना है कि इसका जो कॉर्नर है वो उसके एज से टच हो, वाली हो गया। और राइट क्लिक करके इसको सेंड टू बैक कर दें ताकि बैक में रहे। चलिए इतना काम तो हो गया हम लोगों का। अब मेन जो वर्क है हम लोगों का वो है कि इन सब जो आपका डिज़ाइन है वो आउट ऑफ फ्रेम है, तो उसको कैसे कट करें, ठीक है। चलिए वो भी मैं बताता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, पहले तो इस कॉप्स को कॉपी करें और इसको कॉपी करें, सेलेक्ट करें इस पेज को और कंट्रोल के साथ इसको, उसके बाद कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी कर दें। तो आप देख सकते हैं उसका कॉपी मैंने बना लिया, क्योंकि कॉपी रहेगा तो हमारे पास उसका जब एलिमेंट्स का काम आएगा तो हम लोग वहाँ से ले सकते हैं, इसी वजह से मैंने कॉपी करके रख लिया। तो अब आपको क्या करना होगा, इसको करना है वो एक सेलेक्ट, सेलेक्ट कर लिए इजली। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको सब, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप अनग्रुप कर लें, कंट्रोल शिफ्ट जी, उसके बाद कंट्रोल ए, उसके बाद यहाँ पे सेव फॉर्मेट में, उसके बाद यहाँ पे मर्ज सेव और यूनियन कर लें। यूनियन करने के बाद आप यहाँ पे होम टैब में आकर के एक शेप ले लें रेक्टेंगल, और इसको ड्रॉ करें इस तरीके से, सपोज ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले इस शेप को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इस शेप को, और उसके बाद आप शेप फॉर्मेट में जाएं और मर्ज शेप, और इसको कर दें सब्ट्रैक्ट। तो आप देख सकते हैं आपका जो अलाइनमेंट था वो बाहर वाला वो कट चुका है। तो इसी तरह आपको इसको भी करना होगा, सेलेक्ट देन इस शेप को, फिर मर्ज एंड सब्ट्रैक्ट। उसी तरह इधर भी आपको करना होगा, सेलेक्ट एंड ड्रॉ दिस एंड ड्रॉ इस शेप को, इसको करना है और मर्ज एंड फ्रैग एंड सब्ट्रैक्ट। देखिए सब्ट्रैक्ट हो गया। तो आप अब क्या करना है आपको वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आपको ये तीन कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप कर लीजिए, और इस शेप को और इस शेप को कंट्रोल सी कॉपी करना है, यहाँ पे ला करके पेस्ट करना है। कंट्रोल बी यहाँ पे ला के आपको पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आपको ये बाहर दिखेगा, ये अंदर दिखेगा, तो आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले तो इसको और इसको और इसको कॉपी करना है। ये चीज मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं। आपको कॉपी सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सेव फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पे मर्ज शेप और यूनियन कर लेना है। यूनियन करने के बाद आपको बताते हैं कि इस शेप को करें क्लिक और इस शेप को, और उसके बाद मर्ज शेप एंड सब्ट्रैक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ से वो शेप गायब हो चुका है। अब आइए यहाँ पे फिर से इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इस शेप को पकड़िए और एक नया शेप ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से शेप ड्रॉ, शेप ड्रॉ हो गया। इसको पकड़िए और इसको पकड़िए और यहाँ पे सेव फॉर्मेट में जाइए, सेव मर्ज एंड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो आपको देख सकते हैं ये जो आपका शेप है ये एडिटेबल है, ये एडिटेबल है और ये एडिटेबल है।
तो मैं कंट्रोल जेड करके इसको जहाँ था वहाँ कर लेता हूँ और सिलेक्ट कर लिए कंट्रोल है सी कंट्रोल के साथ सेलेक्ट सिलेक्ट, उसके बाद कंट्रोल एक्स कीजिए, ठीक है कंट्रोल एक्स या फिर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको पहले कर लीजिए आप यूनियन से फॉर्मेट यूनियन, उसके बाद कंट्रोल एक्स कीजिए, उसके बाद जाइए व्यू टैब स्लाइड मास्टर और उसके बाद यहाँ पे इसका ब्लैंक साइड का डुप्लीकेट कर लीजिए कंट्रोल डी या फिर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट हो गया ये मेरा स्लाइड, तो इस स्लाइड पे आना है कंट्रोल डी कर देना है, जैसे ही कंट्रोल डी करेंगे तब तक स्लाइड यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मास्टर लेआउट में स्लाइड मास्टर के मास्टर लेआउट में आपको मिलेगा इंसर्ट पिक्चर का प्लेस होल्डर, यहाँ पे ड्रॉ करना है राइट क्लिक करके सेंड टू बैक करना है, उसके बाद उस शेप को सिलेक्ट रखना है, उसके बाद इस जो शेप है आपका उस ड्रॉ किया आपने उसको सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे सेव फॉर्मेट में मर्ज शेप इसको कर देना है आपको इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर देंगे उसके बाद इस पर राइट क्लिक करना है और रीनेम पे जाना है और इसका नाम देना है बैक कवर, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने अनुसार, मैंने बैक कवर दे दिया। उसके बाद मैं करता हूँ स्लाइड मास्टर को क्लोज, ठीक है तो आप बोलेंगे कि यहाँ तो आया नहीं, मैं रिसेट करके भी दिखा दूँगा नहीं आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बस आपको मैं बताऊँगा कि क्यों नहीं आया। मैं अब मुझे यहाँ पे एक और स्लाइड इंसर्ट करना है, तो स्लाइड में जाएँ देखिए यहाँ पे देख सकते हैं जो कवर बैक कवर स्लाइड डिज़ाइन किया था उसको मैंने यहाँ पे ला दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो डिज़ाइन यहाँ पे आपका था इसको करना है कॉपी, तो ठीक है कॉपी करना है, कॉपी हो रहा है कॉपी हो गया, कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे ला करके इस पर पेस्ट कर देना, पेस्ट कर दिया मैंने, चलिए एग्जैक्टली या फिर आप इसको भी ना करके आप यहाँ से भी आप जो जो आपका शेप है इसको आप, मैंने यहाँ से तो निकाल लिया था, चलिए ये शेप या फिर आप इन तीनों को यहाँ से सबको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी, यहाँ पे आइए कंट्रोल बी कर दीजिए, उसके बाद आपको इस शेप को हटा लेना है, इसको हटा लेना है, इसको हटा लेना है, उसके बाद क्या करना है आपको और यहाँ से अलग अलग यहाँ पे आपको करना है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए सिलेक्ट सिलेक्ट एंड देन सिलेक्ट, उसके बाद यहाँ पर से और कर लेना है आपको, नहीं हो रहा इस तरह से सिंगल सिंगल करना पड़ जाएगा, सिलेक्ट से फॉर्मेट मर्ज एंड सब्ट्रैक्ट, उसके बाद एक बार से यहाँ से ड्रॉ कीजिए, उसके बाद इसे को पकड़िए, इसको पकड़िए और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे आ चुका है तो आप एग्जैक्टली अलाइन कर लें तो अच्छा से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेट ऐसे फॉर्मेट मर्ज एंड सब्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद एक और शेप यहाँ इधर ड्रॉ कर लें, यहाँ पे ड्रॉ हो गया, इस पर लेना थोड़ा सा बड़ा इधर से, इधर से ही हो गया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट इंटरसेक्ट सब्ट्रैक्ट मैच फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट भी कर सकते हैं और उसके बाद ये शेप और ये शेप आपको रखना है, इसको अनसेट कर लें और यहाँ पे राइट क्लिक भी करके ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा बचा हुआ है यहाँ पे सिलेक्ट और ड्रॉ दिस पोर्शन एंड दिस सिलेक्ट फ्रैगमेंट और सब्ट्रैक्ट करना, अब देख सकते हैं एग्जैक्टली बन गया। चलिए कोई नहीं, एक पेज फाइनल हुआ, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज पे क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आई एस एफ फॉर्मेट एंड देन मर्सेप एंड देन यूनियन, ओके यूनियन हो गया। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे आइए और ये सेप है आपका सेंटर, इसको बैक आपने रखा है और ये सेप है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक ड्रॉ करना है सेप होल्ड प्लेस होल्डर, तो आपको इस पिक्चर के लिए प्लेस रखना है, तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए,
या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से इसको जूम इन करके, जूम कर लीजिए और इसको हटाइए, और यहाँ पे सेव फॉर्मेट में जाइए, और एक आपको मिलेगा यहाँ पे स्क्रेबल का, ये फ्री फॉर्म सेव सिलेक्शन, इस पर जाइए और यहाँ पे आप इसको थोड़ा डाउन कर लीजिए और यहाँ पे आइए एग्जैक्टली यहाँ पे और जहाँ जहाँ आपको पॉइंट दिख रहा है आप वहाँ पे आते जाइए। अच्छा आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको एक्सेप्शन कर लिया, जितना आपको विजिबल स्क्रीन होगा उतना ही आप इसको रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ आएंगे, फिर बाद यहाँ पे थोड़ा सा डाउन करते हैं, उसके बाद देन 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 सकते हैं, इससे मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट को सेव को सिलेक्ट करें और यहाँ पे जाएं एडिट शेप एंड एडिट पॉइंट्स कर लें, तो आप इसको पकड़ें और यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसको करूँगा यहाँ से इस तरीके से इसको पकड़ के, हाँ मेरा आप इस हैंडल को एडजस्ट कर लें और फिर इसे फॉर्मेट एडिट पॉइंट्स कर लीजिए, उसके बाद इसको यहाँ पर तो और इसको इस तरीके से सेट कर लीजिए, तो वैसे इसको सेट मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको अगर सेप का वो राउंड ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है तो आप सेप को यहाँ से एक नया सेप फॉर्मेट या फिर यहाँ से एक सेप ड्रॉ कर लीजिए जिसका सेप राउंड हो। मैं यहाँ पे करता हूँ एक ड्रॉ सेप, यहाँ पे आप रख लीजिए उसको एडजस्ट, इसको थोड़ा सा हटा लीजिए, यहाँ पे आप इसको रखिए और जूम इन करके यहाँ से इसका एडजस्टमेंट कीजिए, जो इसको आप देख लीजिए ये सही है। सही है, तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ इस तरीके से इसको एडजस्ट कीजिए, ठीक है, और इसको इसको सेलेक्ट कीजिए, सेव फॉर्मेट एडिट पॉइंट्स इसको सेलेक्ट कीजिए, देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा आपको परफेक्ट दिखेगा इस तरीके से। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको ये अलाइनमेंट मिल जाएगा, थोड़ा सा एडजस्टेबल, आप इसको हटा लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, इसको कंट्रोल एक्स कीजिए, स्पेस पे लाइए, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दीजिए, आप देख सकते हैं ये। उसके बाद आपको एक काम करना है, वो काम है कंट्रोल स्पेस पे कंट्रोल वी, स्पेस पे आए और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, एग्जैक्टली हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करना है कि इसको सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे आप चले जाए व्यू में,
तो इसको कर देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं कि अगर मान लो क्या करते हैं, जो हम लोगों का एक रेक्टेंगल डायरेक्ट से ड्रॉ कर लेते हैं ना, इजी वे में, इजी इजी वे में, इजी वे क्या रहेगा हम लोगों के लिए, इससे पे आ जाइए और यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया आपने, बहुत अच्छा। कंट्रोल एक्स कीजिए और यहाँ पे आइए, कंट्रोल डी कीजिए, इसको सेंड टू बैक कर दीजिए, बैक में चला गया। उसके बाद इसे आपको सेट कीजिए और इसको कंट्रोल डी कर लीजिए और इसको अलाइन कर लीजिए परफेक्टली इस पे, और उसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए और सेव फॉर्मेट, मर्सिव एंड इंटरसेप्ट, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेप्ट, फ्रेगमेंट, कंबाइन, आपको फ्रेगमेंट कर रहे ना, और इस सेप को रखना है और बाकी को डिलीट कर देना है इसको। इसको सेलेक्ट करें, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे सेव फॉर्मेट, सब्ट्रैक्ट, आप देख सकते हैं ये आपका एक सेव रहेगा इधर, कंट्रोल जे और कंट्रोल जे इधर रहेगा। थोड़ा सा आप इसको इधर एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा इसको अपर अपर पार्ट कर देंगे तो थोड़ा सा ये एडजस्टेबल लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस शेप को कंट्रोल डी करना है, डुप्लीकेट, और यहाँ पे लगा देना है और इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए, परफेक्टली अलाइन है, इसको अलाइन कर लेते हैं, परफेक्टली लाइन हो गया। उसके बाद इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट और सेव फॉर्मेट में जाए, सेव फॉर्मेट, इंटर सेट में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, आप इसको और इसको सिलेक्ट करके सेव फॉर्मेट, फ्रेगमेंट भी कर लीजिए, इसको रखिए और इसको कर दीजिए, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एक्स कीजिए और व्यू में जाइए, स्लाइड मास्टर पे जाइए और इसका आप कर लीजिए डुप्लीकेट, आप और आपको करना है इसको कंट्रोल भी, और यहाँ पे आप स्पेस होल्डर एक ड्रॉ कीजिए, पिक्चर पिक्चर करके यहाँ पे पिक्चर को, और सेंड टू बैक, देन दिस पिक्चर को सेलेक्ट कीजिए, इस पिक्चर को और इसको और स्मार्ट और इंटरसेप्ट कर लीजिए, इसका राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम दे दीजिए, फ्रॉम फेस रीनेम। उसके बाद इसको क्लोज कीजिए, यहाँ पे आप आ जाइए इसके नीचे और यहाँ पे लेआउट फ्रंट फेस वाला, यहाँ पर देख सकते हैं बैक है और फ्रंट फेस, यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए। उसके बाद जो आपने यहाँ पे रखा है इस पेज पे, इन सभी के एलिमेंट्स को कंट्रोल सी कॉपी कीजिए और यहाँ पे लाकर के पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे जो भी इमेज आप लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है इंसर्ट, अब देखिए कितने अच्छे से वो पिक्चर इंसर्ट हो रहा है। तो ये प्लेस होल्डर को डिजाइन करने के लिए है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो शेप है, इस शेप को आप शेप फिल में जा करके यहाँ पे इसका कलर ये देंगे, तो आप इसे दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि कंट्रोल ये कर लीजिए और पिक्चर से फॉर्मेट में जाइए, यहाँ से फिल, यहाँ से आपको क्या करना होगा, सबका कलर थोड़ा सा डार्क कर देना है। तो आपको एग्जैक्टली कलर को वो करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप जाएंगे, एक शेप ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे, और उसको बारी बारी से शेप को यहाँ से शेप आउटलाइन इसको ले लीजिए, ये से इस ब्रश लीजिए, फिर ये ले लीजिए, फिर इसको यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, और कोई नया कलर दिखता है, ये हो गया थोड़ा सा डिम है, तो बस बस दो कलर ही है, तो फिर
इस पे आइए और इसको भी कंट्रोल ए कर लीजिए, इस पिक्चर को अनसेट करके यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कर लीजिए लो। तो इसको है यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करता हूँ और शेप को एक सर्कल इधर से करता हूँ और इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया। अब देख सकते हैं कि ये हो गया। उसके बाद इसको मैं किया क्लोज और इसको मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा कहाँ से सेफर मैच कलर फील में जाकर के इसका कलर इस तरीके से दे, इसका कलर ये वाला दे दीजिए, इसका भी कलर आप ये दे दीजिए और इसका बाद उसके बाद इसका कलर है आपका सेफ फॉर्म में ये कलर है। उसके बाद इसको थोड़ा सा डिम कलर दे दीजिए वाला चलेगा। उसके बाद क्या है आपके पास एक ये जो छोटा ट्रायंगल है इसको ड्रॉ करना है। तो छोटा ट्रायंगल के लिए आप जाएंगे यहाँ पे या फिर किसी ट्रायंगल को कॉपी कर लीजिए, ये कंट्रोल सी एंड देन उसपे जाइए कंट्रोल डी कीजिए और इसको यहाँ से अलाइन कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद इसको इस परफेक्टली अलाइन होने के बाद थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं आप, इसको परफेक्टली अलाइन कर लीजिए परफेक्टली कंट्रोल एक्स देन उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए इसके कंट्रोल बी इस पर सिलेक्ट करें और सेव फॉर्मेट यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद फिल और इस पर ट्रांसपेरेंसी 100% कर दें। उसके बाद कर देखिए हो जाए, इसको फिल कर दें। आप देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली नहीं लेकिन ज्यादा उसका वो आप बना चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि एक और थोड़ा सा इसमें रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ या फिर मैं हाँ ये पे कर लेता हूँ इसको और इसका जो रोटेशन पॉइंट है इसको मैं पकड़ता हूँ रोटेट हैंडल और इसको यहाँ पे लाता हूँ और परफेक्टली इस पर अलाइन कराता हूँ। परफेक्टली अलाइन होने के बाद इसको मैं थोड़ा जूम करके देखता हूँ, ये परफेक्टली अलाइन नहीं है अभी तो थोड़ा सा मैं इसको परफेक्टली अलाइन करने होने के बाद इसको थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ लेता हूँ और इसको इस ट्रायंगल के शेप में लाइन कराता हूँ और उसके बाद इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। अभी भी ये सही है बट चलो कोई नहीं, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सेव फॉर्मेट एडिट पॉइंट्स, एडिट पॉइंट्स में जाने के बाद आपको कर लेना होगा इस तरीके से एडजस्टमेंट कि आपका जो स्लोप है वो इस पिक्चर पे जा करके डाउन है, ठीक है। इस तरह इधर से इसको अलाइन कर दीजिए तो आपको थोड़ा सा 3D लुक मिल जाएगा। कंट्रोल सी कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो सर्कल मैच एंड सर्कल भी नहीं बोल सकते हम लोग, क्या इसको देंगे व्हाइट कलर थोड़ा सा, तो इसका है और यहाँ पे आप इसको एज पर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल इस तरह से दे दें। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से उसका ट्रांसपेरेंसी दिया हुआ था मैंने इसी तरह से दे दिया अलाइनमेंट में कौन वाले हैं। तो इसका जो है रोटेशन पॉइंट यानी कि इसको सेव फॉर्मेट एडिट पॉइंट्स करना है तो वो जो पॉइंट्स करना है ये वाले मैं थोड़ा सा उसको उल्टा कर दिया हूँ। तो देख सकते हैं इस तरीके से अलाइनमेंट है उसका, यानी कि इस ट्रायंगल पे अलाइनमेंट है इसका, ठीक है परफेक्टली। आप देख सकते हैं थोड़ा 3D लुक आ चुका है इसका। मैं सेव फॉर्मेट जा करके थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंसी करेंगे इसको लो, ये हो जाएगा थोड़ा सा डार्कर कलर में। आप देख सकते हैं कैसे
यहाँ पे बिल्डिंग का फोटो है वहां पे, तो मैं यहाँ पे जा करके इंसर्ट कर लेता हूँ इसको बैक कीजिए, और यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए तो बिल्डिंग का पिक्चर आ जाएगा इंसर्ट। और इसको यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर लीजिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए ताकि आपको परफेक्टली वो दिखे। तो आप इस तरीका से इसको यहाँ सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पेज पे आएंगे और यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसी पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद इस पे भी क्लिक करेंगे क्रॉप, और क्रॉप करने करने के लिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए बड़ा, और इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लीजिए। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली आपका है वो लग चुका है। सेव फॉर्मेट, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे सेव फॉर दिस कलर, उसके बाद थोड़ा सा आपको दिखा दूँ यहाँ पे ये और ये दोनों जो कलर सेव के आप ये दोनों ये एंड दिस आपका सेम कलर है, यहाँ पे ज़्यादा कलर दे सकते हैं इसको। उसके बाद ये जो सेव है यहाँ पे नहीं है, हम देख सकते देखेंगे है। तो उसके बाद इसका कलर क्या है, तो आपका इसका कलर है शेप फॉर्मेट एंड शेप फिल ये कर दें। उसके बाद इसको और इसको और इसको इसका ग्रेडियंट फिल है, तो ग्रेडियंट फिल आपको देना है वो यहाँ से लीनियर है लीनियर। उसके बाद यहाँ से आप इसको अप एंड डाउन कर लें, इस तरीके से नहीं आ रहा तो आप इसको यहाँ से करके आप इसका जो क्या है एंगल्स रोटेशन है उसको भी आप चेंज करेंगे, तो ये थोड़ा सा आपको एंगल का रोटेशन आप यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हैं। रोटेशन चेंज कर लेंगे तो थोड़ा सा और रोटेशन चेंज कर लेंगे, ये परफेक्ट ही है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम डिजाइन तैयार कर लिए। अब थोड़ा सा इस पर टेक्स्ट वगैरह लगाना है, तो आप मैं थोड़ा सा इस पर टेक्स्ट लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इनका कंपनी लोगो है, तो यहाँ पे सेट किया मैं यहाँ पे ले लिया TWMT, यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल ई लोगो, यहाँ पे इसको कंट्रोल ए कंट्रोल बी, और इसका मैं वो कलर क्या रखे हैं व्हाइट रखे हैं ना, चलो कंपनी लोगो कलर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लेके चलाता हूँ ताकि मेरे को बीच में अच्छा से रहे हैं, और मैं इसको सेलेक्ट करना है कंट्रोल पे और यहाँ पे सेट कलर दे देना है व्हाइट। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से यहाँ पे है डिजाइन वो ब्राउजर है, तो मैं यहाँ पे गया यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको ड्रॉ कर लिया शेप, ये सब कैपिटल्स में है, तो आप स्मॉल एल भी लीक करके आप डिजाइन कंट्रोल ए करके इसका फॉन्ट TW आप फॉन्ट भी एक ही रखें ठीक है, और यहाँ पे जा करके कैपिटलाइज इस वर्ड कर दें, आप परफेक्शन में भी कर देंगे चलेगा। यहाँ पे आ करके थोड़ा सा इनके जो बीच का लाइन स्पेसिंग है यहाँ से आ करके लाइन स्पेसिंग बिफोर यहाँ पे आफ्टर 00 है, तो आपको अगर इस तरीके से नहीं हो पा रहा है तो आप इसको कैंसिल कर लीजिए। आपको क्या करना होगा कि इस ब्राउजर को यहाँ से इस ब्राउजर को सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल एक्स कीजिए कंट्रोल बी प्रेस कर दीजिए, और यहाँ से पे टेक्स्ट कर लीजिए फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो फॉर्मेटिंग, आप इस तरह से इसको इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं एग्जैक्टली। उसके बाद आप इस तरीके से परफेक्टली
इनको सेट भी कर सकते हैं इस थोड़े से एडजस्टेबल मोड में। मैं इसको छोटा से छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको एडजस्टेबल भी दिखाऊंगा, डिजाइन को एडजस्ट करता हूँ मैं काफी करने के आप डिजाइन को भी और छोटा करके भी यहाँ पे आप एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद इन दोनों को जे कंट्रोल एक्स और यहाँ पे ला कर जे कंट्रोल भी, आप देख सकते हैं कि हम लोग कितने अच्छे से किसी भी डिजाइन को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप सीख गए कि कैसे कैसे डिजाइन करना है, तो सारा स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको रिप्लाई देंगे, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।